हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हस्बैंड ऑफिस से आया तो उन्होंने बोला चलो रेडी हो जाओ, कहीं चलना है। कहाँ जाना है ये उन्होंने नहीं बताया, बस बोला कि चलो चलना है। मतलब कुछ उनको लेना है तो उन्होंने बोला तुम भी साथ में चलो, तो मैंने बोला ठीक है। तो मुझे ऐसा कुछ डाउट हो रहा है तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना धीरे से ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, देखती हूँ जो होगा सो होगा। अगर शेयर करने लायक रहेगा तो मैं करूँगी, अदरवाइज नहीं करूँगी। तो मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया, यहीं से देखते हैं कि अब कहाँ जाते हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, किस लिए लेके जा रहे हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले उनसे कुछ चीज़ें शेयर की थी तो क्या पता वो उस चीज़ के लिए जा रहे हैं तो कुछ अपने काम से जा रहे हैं। बस उन्होंने बोला चलो रेडी हो जाओ। हम लोग नॉर्मली ऐसे शाम को कहीं टहलने या घूमने निकलते हैं तो वैसे उस तरीके से तो नहीं मतलब जा रहे हैं, क्योंकि उस तरीके से अगर जाते तो हम लोग पता चल जाता है। लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि चलो रेडी हो जाओ, चलो कहीं चलना है। तो मैंने बोला कि चलिए ठीक है। तो अभी मेरा खाना वाना बन गया है तो मैंने बोला कि चलिए चलते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ, देखते हैं कहाँ जाते हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्या मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ है या तो क्या क्या बात है कि वो मुझे बोले कि चलो। चलिए देखते हैं। आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा, आप लोग को सब कुछ पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए और पूरा ब्लॉग वॉच करिएगा, आपको सब कुछ जानने के लिए मिलेगा। चलिए फिर देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। इसमें सर 5G के 6 बैंड सपोर्टेड, इसमें 5G के 7 बैंड सपोर्टेड। कहाँ है, महंगा है इतना? ये अभी लॉन्च किया हाल ही में, ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है। मैं को एक्स करके आया, वो सस्ता है, वो सस्ता है सर। मतलब तो हम कहाँ बोल रहे हैं बहुत महंगा लोग। वीवो करा सकते हैं 6GB रैम 128GB इंटरनल, इसका नॉन स्क्रैचेबल बॉडी के साथ। इसका जो कैमरा है यही ले जाएगा, बाद में लफड़ा होगा इससे आप अपना एक अच्छा सा फोटो। फोन पे होगा? हां सर, ये रोज से लगा एक आपका आगे पासवर्ड जी। और भी होगा ना सर जी? अब ये जो था वो 4GB रैम 64GB इंटरनल और फाइनली मेरा मोबाइल हो गया। तो अभी हम लोग मोबाइल लेके यहाँ घर पे जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड मजा ले रहे थे कि लोग ये सीमा ये मेरा। लो भाई, लो तुम्हारे लिए। दो
मेरे नहीं आप नहीं दोगे, आप छुपा लोगे। दे ना तुम्हारी मेरी तरफ से, तुम्हारी तरफ से मेरी, अच्छा मेरी तरफ से दीजिए लो, मेरी तरफ से तुम्हारा गिफ्ट सरप्राइज, सरप्राइज गिफ्ट लो। अरे लो छोड़ो लो, इधर है लो दीजिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मार्केट गए थे, ये हमने कहे ये एक आम आधा किलो का है, तो आधा किलो से ज़्यादा का ही है और साल का ही हम लोग का पहला आम है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं शेयर करूँ इसको। चलिए फिर कट कर लेते हैं। हेलो, तो अभी हम लोग मार्केट गए थे, मार्केट से हम लोग आ गए तो अभी खाना पीना खाने लगे हैं, तो मैंने बोला कि अभी मैं ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने दूसरे रूम में, और हम कहाँ गए थे ये आपको अभी मैं बताती हूँ। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम लोग, मेरा मोबाइल अभी कुछ दिन से पता नहीं क्यों ख़राब चल रहा था, मतलब आधे घंटे, हर आधे घंटे बाद ऑफ़ हो जा रहा था, 10 मिनट बाद ऑफ़ हो जा रहा था, तो मुझे हर चीज़ में दिक्कत हो रहा था। तो मैं, मतलब मैंने ऐसे नॉर्मली अपने हस्बैंड से बोला था कि पता नहीं क्यों मेरा मोबाइल ऐसे हो रहा है, तो उनके माइंड में रहा होगा या जो कुछ भी, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने, मतलब हम लोग मोबाइल के शॉप पे गए तो भी मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि हम लोग क्यों मोबाइल के शॉप पे जा रहे हैं, ऐसा क्यों। जब उन्होंने मुझसे बोला कि तुमको कौन सा मोबाइल पसंद है, तब मुझे जाके पता चला कि मोबाइल मेरे लिए ले रहे हैं, और मैं बहुत खुश हुई। मैंने पहले वीवो का फ़ोन यूज किया है और तो मुझे इसका एक्सपीरियंस था, तो मुझे ये सेट बहुत पसंद है, तो मैंने ये सेट ले लिया है फाइनली। मुझे बहुत ही प्यारा पीस लग रहा था ये। आप लोग को ये पीस कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब मेरे लिए ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए इतना सोचा। होता है ना कि अगर सामने वाले के लिए आप सोचो और सामने वाला भी आपके लिए उतना सोचता है, तो उससे बढ़ के अपने लिए कुछ भी नहीं होता है कि हाँ उन्होंने भी मेरे लिए इतना सोचा, इतना किया, और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। और मेरा ये सेट कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ये बहुत प्यारा लग रहा है। इनको ओप्पो का पसंद था और ये दोनों, तो उन्होंने ऑप्शन दिया कि कौन सा तुम्हें ज़्यादा पसंद है। मुझे, मैंने वीवो यूज किया हुआ है तो उसका एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा है, मतलब कि वो कभी हैंग नहीं किया है, तो मैंने ये इसको सेलेक्ट किया। देखिए कितना प्यारा पीस लग रहा है। मुझे पता है कि आप लोग को भी ये पीस बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, ये सेट बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड ने बोला था कि रेडी हो जाओ, हम लोग को कहीं चलना है। तो मैं अपने हस्बैंड को दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच कि आपने मेरे लिए इतना सोचा और मेरे लिए मोबाइल, आपने मुझे ये सरप्राइज़ दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि, मतलब जब होता है ना कि किसी चीज़ में, जब मोबाइल से ही मेरा काम सारा बहुत कुछ होता है, तो इसलिए मेरे लिए मोबाइल ज़रूरी था। जब भी मैं कुछ करती थी मोबाइल ऑफ़ हो जाता था, तो बीच में वो सारी चीज़ें फिर रुक जाती थी और फिर से वो चीज़ें मुझे लिखनी पड़ती थी या तो फिर अपलोड करना पड़ता था, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी दरबीच। तो उन्होंने कल जब मेरा फ़ोन उन्होंने फॉर्मेट भी किया, देखा, तब उनको लगा कि नहीं इसका फ़ोन सच में, मतलब एकदम ख़राब हो चुका है। तो उन्होंने आज मेरे लिए ये लिया मोबाइल, ये वीवो का सेट है और बहुत ही प्यारा सेट है। आप लोग को मेरा ये सेट कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और मैं अपने हस्बैंड को एक बार फिर से दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे लिए इतना सोचा, आपको दिल से धन्यवाद। और मेरा ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस सब्सक्राइब करने का आपको 1 रुपये भी चार्ज नहीं देना है, फ्री में है। तो अगर आपके 1 सब्सक्राइब करने से किसी का भला होता है तो मिलके भला करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, जहाँ रहिए खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।